हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद आशु में। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात की थी भुगतान संतुलन के बारे में। जो लोग वो वीडियो ना देखे हो उसकी लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, आप सब देख सकते हैं। अगर जो लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे कि कोई भी इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज का जो चैप्टर है इसमें हम लोग बात करेंगे व्यापार संतुलन से ही, सॉरी भुगतान संतुलन से रिलेटेड ही है चैप्टर। व्यापार संतुलन उसे हम लोग बोलते थे बैलेंस ऑफ पेमेंट, और आज का चैप्टर है व्यापार संतुलन बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो लोग नए हो, कि ये जो हमारी सीरीज चल रही है इकोनॉमिक्स की, आई थिंक ये 23वां या 24वां लेक्चर होगा इकोनॉमिक्स का। तो जो लोग नए हो वो प्लेलिस्ट में जाके पहले वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो अर्थव्यवस्था के बारे में समझना है वो किसे कहते हैं अर्थव्यवस्था, साथ ही उसके प्रकार को देखेंगे। उसके बाद हम लोग एक एक करके टॉपिक क्लियर करते हुए चले आ रहे हैं। तो आई थिंक अब इकोनॉमिक्स में ज्यादा से ज्यादा 10 लेक्चर और मिलेगा आप लोगों को, तो पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो जाएगी, या फिर विश्व अर्थव्यवस्था कुछ भी हो, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड वन डे एग्जाम में जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। और उसके साथ ही हम लोगों ने भारत का भूगोल भी देख लिया है, विश्व का भूगोल देख लिया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का हम लोगों ने कुल 72 लेक्चर देखा, जिसमें एम लक्ष्मीकांत की पूरी बुक हम लोगों ने खत्म कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो उसे देख चुके होंगे। जो लोग नए हों प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देखकर नोट्स प्रिपेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव ही होता है नोट्स प्रिपेयर करवाना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे व्यापार संतुलन के बारे में। किसके बारे में? व्यापार संतुलन के बारे में बात करेंगे। बैलेंस ऑफ ट्रेड, BOT, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है और पिछले वीडियो से यह जुड़ा हुआ है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था भुगतान संतुलन, तो भुगतान संतुलन के तहत हम लोगों ने क्या देखा था, पहले इसमें अंतर देख लेते हैं। भुगतान संतुलन में हम लोगों ने देखा था कि किसी एक देश में किसी समयावधि में, किसी एक विषय समयावधि में क्या किया जाए, वहां के निवासियों द्वारा जो सेवा सर्विस जिसे बोलते हैं, सेवा गुड्स जिसे हम लोग वस्तु बोलते हैं, या किसी अन्य चीजों का लेन देन किया जाए, तो उसके विवरण को हम लोग भुगतान संतुलन बोलते थे। मतलब कि उसका पेमेंट कैसे करना है इसका विवरण किया जाता था, ठीक। लेकिन आज का जो चैप्टर है उससे डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि यह व्यापार संतुलन है। चलिए एक एक करके टॉपिक समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्यापार और उसके बाद संतुलन को समझेंगे। व्यापार का आशय क्या है? किसी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के द्वारा अथवा किसी संस्था को कोई वस्तु बेचना या खरीदना ही व्यापार कहलाता है, साधारण शब्दों में। और संतुलन का मतलब है कि इस क्रय विक्रय अर्थात लेन देन को बराबर बनाए रखना संतुलन कहलाता है। तो इस तरह से अगर हम लोग इसे कंट्री के हिसाब से देखेंगे तो इसे हम लोग बोलेंगे कि किसी देश द्वारा विश्व के किसी अन्य देश में किए गए आयात तथा निर्यात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को क्या बोलेंगे हम लोग? व्यापार संतुलन के तहत रखेंगे। और इसी के तहत देखा जाता है, ये देखिए जो व्यापार संतुलन होता है ये दो प्रकार का होता है। कौन सा? एक व्यापार घाटा होता है और एक व्यापार आधिक्य होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड सरप्लस और ट्रेड डेफिसिट, ठीक। तो जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, व्यापार घाटा, उसे निकालने के लिए क्या किया जाता है कि अगर जिस देश द्वारा हम लोग बिजनेस कर रहे हैं अगर हमारा निर्यात ज्यादा है, मतलब अगर हम ज्यादा निर्यात कर रहे हैं आयात कम कर रहे हैं, तो वह सरप्लस कहलाएगा हमारा, ट्रेड सरप्लस, जिसे हम लोग व्यापार आधिक्य बोलते हैं। और यह जिस देश द्वारा किया जाता है उसके लिए लाभप्रद होता है, क्यों? क्योंकि व्यक्तियों की जो इनकम होती है वह बढ़ती है, और अपने इंडिया की या फिर जिस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं उसके GDP में वृद्धि होती है, और यह उस देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभदायक होता है। बात करेंगे व्यापार घाटा के बारे में, जिसे हम लोग ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। इसका आशय है कि अगर हम लोग अपने एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब कि अगर हम लोग आयात ज्यादा कर रहे हैं निर्यात कम कर रहे हैं, तो ये व्यापार घाटा कहलाता है और ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद नहीं होता है। यही सारी चीजें हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत डीपली तौर पर, और साथ ही देखेंगे कि इसके और कौन कौन से प्रकार होते हैं और कैसे इसे डिफाइन किया जाता है। और इसे निकालने का जो मूल मंत्र जिसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला,
वो क्या होता है सब चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। व्यापार संतुलन पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। देखिए मेरा मोटिव होता है आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर करवाना, लेक्चर सब देते हैं लेकिन लिखना क्या है। अगर कोई भी स्टूडेंट जो फ्रेशर है वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन करने आया है तो वो नोट्स बनाना सबसे बड़ा काम होता है। तो नोट्स कैसे बनाया जाए ये मैं आप लोगों को बताता हूं। और नोट्स बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि जो चीजें मैं लिखता हूं वो एज अ नोट्स ही लिखता हूं कि रिवीजन के तौर पे आप लोगों को काम देगा। वीडियो देखेंगे तो पूरा लेक्चर मिलेगा, सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी, समझ में आएंगी। और साथ ही नोट्स कैसे बनाना है, जो चीजें मैं लिखता हूं आप बस वही लिखते जाइए, आपका नोट्स प्रिपेयर हो जाएगा। और इसका पता कैसे चलेगा, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं नोट्स बढ़िया बनवा रहा हूं, मतलब सबसे बढ़िया ये मैं नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि ये आप बताएंगे, जब आप वीडियो देखेंगे, नोट्स प्रिपेयर करेंगे और कोई एग्जाम देंगे या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर्स या एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और चीजें अगर आपकी क्लियर होंगी तब आप लोग बताएंगे कि जी सर आपने जो बोला वो सही है। तो ये आपके ऊपर है, नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है। मैं जो चीजें लिखता हूं उसे आप लोग अपने से भी छोटा करके लिख सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो रिवीजन कर रहे होंगे, तो मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, नोट्स बनाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। किताब में बहुत सारी चीजें हैं, मैं भी किताब से ही पढ़ाता हूं लेकिन उसमें से जो टॉनिक टाइप का होता है, जो उसका सार होता है, वो निकालकर मैं आप लोगों को देने की कोशिश करता हूं। तो उम्मीद करता हूं सब कुछ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। आइए पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, व्यापार संतुलन है क्या। वस्तुओं के आयात और निर्यात के संतुलन को, क्या वस्तुओं के आयात और निर्यात के संतुलन को, निर्यात के संतुलन को व्यापार संतुलन कहा जाता है। व्यापार संतुलन अथवा BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। ठीक, मतलब कि एक देश से दूसरे देश में क्या एक्सपोर्ट किया जा रहा है और क्या इंपोर्ट किया जा रहा है, इसी के लेखा जोखा को या इसी के विवरण को हम लोग क्या कहते हैं, व्यापार संतुलन कहते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसी से रिलेटेड है, वो क्या है हमारा, व्यापार संतुलन किसी देश द्वारा किए गए कुल आयात निर्यात का अंतर होता है। व्यापार संतुलन किसी देश द्वारा किए गए कुल आयात निर्यात अर्थात इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का अंतर है, इसे समझेंगे। देखिए जो हम लोग व्यापार कर रहे हैं उसमें या तो हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे। तो जो ये व्यापार संतुलन है यह निर्धारित क्या करता है कि किसी देश द्वारा कितना आयात किया जा रहा है वस्तुएं किसी अदर कंट्री से और कितना यहां से निर्यात किया जा रहा है उस देश के लिए। देखिए समझने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए चाइना है, चाइना से हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं वहां से हम लोग आयात करते हैं, निर्यात हमारा बहुत कम है। ठीक, मान लीजिए वहां से हम लोग कोई भी वस्तु लाते हैं $500 एग्जांपल के तौर पर देखिए, $500 का हम लोग व्यापार कर रहे हैं और चाइना से ये $500 क्या कर रहे हैं हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, इंपोर्ट कर रहे हैं मतलब लाल है, आयात कर रहे हैं वहां से। और जो इंडिया है ये $200 का एक्सपोर्ट कर रही है चाइना के लिए ही, तो इसमें क्या होगा, इसका अंतर निकालेंगे ना हम लोग, तभी तो व्यापार संतुलन पता चलेगा। अंतर कितना निकला, $300 का। तो ये जो $300 का अंतर आया यही व्यापार संतुलन कहलाता है। और किसी भी देश के लिए, अब देखिए जैसे $300 यहां निकल रहा है, अभी आगे वीडियो में हम लोग समझेंगे कि जितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब जितना हम लोग निर्यात कर रहे हैं अगर वो हमारा ज्यादा है किससे, आयात से, तो ये सरप्लस कहलाएगा।
और अगर यह कम है, जैसे कि यहां कंडीशन बनी कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंपोर्ट से कम है, तो यह हमारा व्यापार घाटा कहलाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। तो यही सारी चीजें हैं, इन्हीं दोनों के अंतर को, अब ये जो अंतर निकल के आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। उम्मीद करता हूं कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग इसे समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापार संतुलन कुछ भी नहीं है, अगर आप लोगों ने माइंड को कंसंट्रेट करके ये वीडियो सही तरीके से देख लिया तो एक एक पॉइंट में क्लियर करवा दूंगा, इस बात की गारंटी है। ठीक, चलिए बात करेंगे तीसरे पॉइंट के बारे में। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इसकी गणना कैसे की जाती है, व्यापार संतुलन की गणना, ये इंपॉर्टेंट है। व्यापार संतुलन की गणना, व्यापार संतुलन की गणना कैसे की जाएगी कि वह व्यापार संतुलन के तहत एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है या इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला हम लोग लिखेंगे, वह क्या है, बीओटी, मतलब व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें से जो हमारा क्या होगा, नेट एक्सपोर्ट में से नेट इंपोर्ट को हम लोग लेस कर देंगे। देखिए समझाऊंगा मैं, नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इंपोर्ट। चलिए इसके हिंदी में आप लोगों को लिख देता हूं, व्यापार संतुलन। अगर हमें व्यापार संतुलन निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट कुल निर्यात, कुल निर्यात में से हम लोग घटा देंगे कुल आयात को। आयात और निर्यात व्यापार का दो मुख्य पिलर होता है। व्यापार तभी होता है जब आप कोई भी वस्तु किसी को देते हो या फिर किसी से लेते हो, और अगर यह कंट्री के थ्रू देखा जाएगा तो इसे बोलेंगे कि किसी देश द्वारा माल मंगवाना या खरीदना या फिर किसी देश को माल बेचना, ये आयात और निर्यात कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि यह आप लोग जानते होंगे। चलिए इसे अब समझेंगे, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इससे कैसे निकलेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इंपोर्ट। चलिए समझने की कोशिश करते हैं, जो एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा था चाइना और इंडिया का, वही एग्जांपल फिर से देखेंगे। चलिए इसे आप लोग नोट डाउन करिए, फिर मैं समझाने की कोशिश करता हूं या फिर मैं यहीं पर बताता हूं आप लोगों को। आइए चाइना का उदाहरण हम लोगों ने लिया था, चलिए यूएसए का लेते हैं। ये यूएसए हो गया और ये अपना इंडिया हो गया। अब बात करेंगे कि यूएसए से हम लोग क्या करते हैं कि $200, ये एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं, $200 का हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब $200 हम लोग दे रहे हैं किसे, यूएसए के पास, व्यापार कर रहे हैं, मतलब कि कुल निर्यात कर रहे हैं किसके लिए, यूएसए के लिए। ठीक, और $300 का हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं, मतलब $300 का जो माल है वो हम लोग ला रहे हैं और $200 का माल हम लोग दे रहे हैं उसे। तो इन दोनों का जो अंतर आया कितना, $100, ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यापार संतुलन कहलाएगा। अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले इस डिफिनेशन के माध्यम से यही समझा था। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग व्यापार संतुलन की गणना कैसे की जाती है या कैसे निकाला जाता है सही तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग इसे नोट डाउन करिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसे रफ करके आगे बढ़ता हूं। चीजें बहुत इजी हैं, बस समझने की कोशिश करिए आप लोग सही तरीके से। और हमेशा कोई भी इकोनॉमिक्स का चैप्टर अगर आप पढ़ रहे हो तो उसे अपने सामान्य जीवन से जोड़कर पढ़ा करिए, क्योंकि आप लोग भी हमेशा यह कार्य करते रहते हो लेकिन इसे समझ नहीं पाते हैं आप। ठीक, समझने के लिए क्या होगा कि हर चीज को अपने आप से जोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए
यही व्यापार क्या है, व्यापार के बारे में तो बात हो रही है, व्यापार संतुलन। आप भी तो जाते हो कहीं ना कहीं से कुछ सामान खरीदते हो या फिर बेचते हो, तो वही तो व्यापार है और उसी के आय और व्यय को हम लोग देखते हैं कि हमें कितनी इनकम हो रही है। अगर हमें इनकम ज्यादा हुई तो हमारा फायदा हुआ, अगर लॉस हो गया तो मतलब है कि हमारी इनकम कम हुई है। ठीक, चलिए बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, व्यापार घाटा। चौथा पॉइंट है व्यापार घाटा। व्यापार घाटा इसे क्या बोलते हैं, ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि व्यापार घाटा किसे कहते हैं। यह वह स्थिति होती है जब हम जिससे जिससे व्यापार कर रहे हैं उससे अगर हमारा निर्यात कम है और आयात ज्यादा है, मतलब एक्सपोर्ट हमारा कम है इंपोर्ट ज्यादा है, तो वह स्थिति हमारी क्या कहलाती है, ट्रेड डिफिसिट, व्यापार घाटा। चलिए डिफिनेशन लिखेंगे, जब व्यापार संतुलन नकारात्मक हो अर्थात आयात ज्यादा हो निर्यात कम हो, जब आयात ज्यादा हो और निर्यात जो है वह कम हो, निर्यात कम हो। ठीक, पॉइंट बाय पॉइंट लिख देंगे तो चीजें जल्दी क्लियर होंगी, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, एक और चीज हम लोग लिख सकते हैं, जब व्यापार संतुलन नकारात्मक हो, जब व्यापार संतुलन नकारात्मक हो, नकारात्मक का मतलब है कि जो बैलेंस शीट बनेगी इसकी, व्यापार संतुलन की, बैलेंस ऑफ ट्रेड की, उसमें जो हमारा सिंबल लगेगा वो निगेटिव का लगेगा। ठीक, मतलब ऋणात्मक लिखा जाएगा, जिसे हम लोग डेबिट बोलते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, व्यापार घाटा। थर्ड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, व्यापार घाटा कहते किसे हैं, कैसे निकालेंगे इसे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका निकलता है हमारा आकर क्या, व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू क्या लिखा है हम लोगों ने, जब आयात ज्यादा हो निर्यात से, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। क्या चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसे क्या लिखते हैं हम लोग हिंदी में, व्यापार घाटा बराबर, मतलब व्यापार घाटा कैसे निकलता है, अगर इंपोर्ट मतलब हमारा आयात, आयात ज्यादा हो किससे, निर्यात से, तो ये हमारा कहलाता है व्यापार घाटा। ठीक, तो ये फॉर्मूले आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बनता है, यहां से आप लोगों को क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा कि ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है। जैसे दे देगा ट्रेड डेफिसिट इज इक्वल टू इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये कहां कार्य करता है, तो यह तब कार्य करता है जब व्यापार संतुलन के तहत ट्रेड डेफिसिट निकाला जाता है, व्यापार घाटा निकाला जाता है। मतलब अब व्यापार घाटा का यही डायरेक्ट आशय हो गया, इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट कम हो। मतलब जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था कि किसी भी कंट्री से हम लोग 500 का क्या करें, आयात करें और 200 रुपए का निर्यात सिर्फ करें उसे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। मतलब व्यापार घाटा हो रहा है कि हम लोग आयात से कम निर्यात कर रहे हैं या फिर निर्यात जितने का कर रहे हैं उससे ज्यादा हम आयात कर रहे हैं, तो ये हमारा व्यापार घाटा कहलाता है। चलिए, उम्मीद करता हूं ये आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, व्यापार घाटा। अब बात करेंगे व्यापार आधिक्य के बारे में।
अब इसका जस्ट अपोजिट व्यापार आधे किया है। एक पॉइंट अगर आप लोग सही से समझ गए, इसीलिए मैं जब आप लोगों को कोई भी चैप्टर पढ़ाता हूं तो पहले आप लोगों की बेस मजबूत करता हूं। अगर बेस मजबूत हो गया, कहते हैं ना कि अगर मकान आपको बनाना है और उसका अगर आप लोगों ने नींव सही तरीके से डाल दिया, नींव अगर स्ट्रांग होगी तो मकान कितना भी बड़ा बना देंगे वो गिरने की कोई उम्मीद नहीं होती। अगर नींव ही कमजोर है तो कितना बड़ा चाहे छोटा मकान बनाए कभी भी गिर सकता है, ठीक। इसलिए पहले बेस आप लोग अपना क्लियर किया करिए। कोई भी चैप्टर देखेंगे उसमें मैं सबसे पहले आप लोगों का बेस क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। चलिए बात करेंगे पांचवें पॉइंट के बारे में, और वहां है व्यापार आधिक्य। पांचवा पॉइंट व्यापार आधिक्य, व्यापार आधिक्य। एक मिनट, सॉरी। चलिए व्यापार आधिक्य के बारे में बात करेंगे। व्यापार आधिक्य को हम लोग बोलते क्या है, ट्रेड सरप्लस। यह है हमारा ट्रेड सरप्लस। अब ट्रेड सरप्लस का क्या असर है, ट्रेड डेफिसिट में हम लोगों ने देखा कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो क्या हो हमारा, हम लोगों ने उसमें क्या देखा था कि अगर हमारा जो इम्पोर्ट है, इम्पोर्ट मतलब आयात, आयात अगर ज्यादा है निर्यात से तो ट्रेड डेफिसिट कहलाता है। लेकिन अगर हम लोगों को ट्रेड सरप्लस निकालना है तो इसमें हम लोगों का क्या होगा, जो एक्सपोर्ट होगा निर्यात होगा वह ज्यादा होना चाहिए किससे, इम्पोर्ट से, मतलब कि आयात से। अगर सिंपल सेंटेंस इसका हम लोग देखेंगे, डिफिनेशन क्या है कि वह स्थिति जब किसी देश द्वारा उस अदर कंट्री के साथ किया गया व्यापार में हम लोग निर्यात ज्यादा करेंगे आयात कम करेंगे तो यह हमारा आधिक्य कहलाता है, मतलब व्यापार आधिक्य कहलाएगा, जिसे ट्रेड सरप्लस बोलते हैं। चलिए लिखेंगे, जब आयात कम हो तथा निर्यात ज्यादा हो, इस स्थिति को हम लोग क्या बोलेंगे, व्यापार आधिक्य बोलेंगे। चलिए ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकंड पॉइंट है जब व्यापार संतुलन सकारात्मक हो, जब व्यापार संतुलन सकारात्मक हो, क्या हो, सकारात्मक हो, मतलब कि जो इसमें बैलेंस शीट में चीजें लिखी जाएं अगर वहां पर क्या आए, पॉजिटिव आए सिंबल, मतलब धनात्मक। तो इसका आशय है कि हमारा क्या हो रहा है, ट्रेड सरप्लस हो रहा है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि ऋणात्मक आए, व्यापार संतुलन सकारात्मक की जगह नकारात्मक आए, ऋणात्मक आए तो उसे हम लोग व्यापार घाटा बोलते हैं, लेकिन अगर यह सकारात्मक आया तो यह व्यापार आधिक्य कहलाता है, ठीक। चलिए इसे निकाला कैसे जाता है, क्या लिखेंगे हम लोग, व्यापार आधिक्य की गणना, व्यापार आधिक्य की गणना कैसे की जाती है, कैसे पता चलता है कि व्यापार आधिक्य हो रहा है। चलिए इसे हम लोग लिखेंगे ट्रेड सरप्लस इज इक्वल टू आयात कम हो, आयात कम हो मतलब इंपोर्ट इज लेस देन किससे, एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट से, मतलब कि हमारा जो इंपोर्ट है आयात कम हो निर्यात ज्यादा हो। चलिए इसकी हिंदी लिख देते हैं, व्यापार संतुलन और इसे आयात और निर्यात। देखिए ये लिखने का मेरा जो रीजन है ना, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानते हैं लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है उन्हें, एक्सपोर्ट क्या है इंपोर्ट क्या है, इसलिए मैं क्या करता हूं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में लिख देता हूं, ठीक है, इससे आप लोगों को समझने में
सुविधा होगी। चलिए आप लोग भी नोट्स बनाया करिए तो इस तरह से लिख दिया करिए, स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है लेकिन उसके लिए आप लोगों को समझना भी जरूरी है। आपने दिखावे में आकर लिख तो दिया इंग्लिश में, अगर आपको सही तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो वह आपका जो नोट्स होगा वह कूड़े के समान हो जाएगा क्योंकि चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक, चलिए व्यापार अधिक कैसे पता चलेगा, जब आयात कम हो तथा निर्यात ज्यादा हो, और जब व्यापार संतुलन सकारात्मक हो अर्थात पॉजिटिव, उसमें क्या किया जाए, सिंबल प्रयोग किया जाए। तो ये हो गया हमारा व्यापार अधिक। अब इसी से रिलेटेड बात है कि इसके प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए यह भी एक तरह से प्रकार है लेकिन अर्थव्यवस्था के तहत इसके नामों को चेंज किया गया है। ठीक है, व्यापार संतुलन के प्रकार को हम लोग अब देखने वाले हैं बहुत इजी वे में, और इन्हीं दोनों को याद रखेंगे, मैं पूछूंगा आप लोगों से, इन्हीं दोनों से रिलेटेड चीजें इस पर बात होने वाली है। क्या लिखेंगे हम लोग, व्यापार संतुलन का प्रकार, क्या व्यापार संतुलन का प्रकार, टाइप्स ऑफ BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, चलिए व्यापार संतुलन के प्रकार को दो प्रकारों में बांटा गया है। मुख्य तौर पर इसके दो प्रकार निकल के सामने आते हैं, जो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, ट्रेड डेफिसिट और ट्रेड सरप्लस, इसी को ही कई दो नामों से जाना जाता है। पहला क्या है, पहले को हम लोग बोलते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन, क्या अनुकूल, अनुकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है हमारा, वही व्यापार अधिक जिसे हम लोगों ने देखा था सरप्लस। ठीक है, अनुकूल का अर्थ ही है कि इससे कोई घाटा ना हो, फायदा ही हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। और इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनुकूल व्यापार संतुलन को फेवरेबल BOT, ठीक, मतलब फेवरेबल BOT मतलब अनुकूल व्यापार संतुलन। इसे हम लोग समझने के लिए तीन चार पॉइंट लिखेंगे, देखेंगे कि यहां है क्या और इससे फायदा क्या क्या होता है। ठीक, चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे, व्यापार अधिक्य को ही कहा जाता है, व्यापार अधिक्य को ही, व्यापार अधिक्य ही अनुकूल व्यापार संतुलन है। और व्यापार अधिक्य कब होता है, जब निर्यात मतलब एक्सपोर्ट ज्यादा हो किससे, आयात से। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे, निर्यात ज्यादा हो आयात से। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इससे होता क्या है, इसे हर देश द्वारा पसंद किया जाता है, हर या प्रत्येक, इसे प्रत्येक देशों द्वारा पसंद किया जाता है। रीजन मैंने बता दिया है, पसंद किया जाता है। ये सब लिखना इसलिए जरूरी है ना कि अगर आप लोग UPSC या स्टेट PCS का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो मेंस में अगर ऐसी चीजें लिख देंगे तो आपके नंबर बढ़िया उठेंगे। ठीक, चलिए अब ये देखेंगे अनुकूल व्यापार संतुलन से होता क्या है, विदेशों को अधिक उत्पाद बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। इसके इसके माध्यम से क्या होगा, विदेशों को अधिक माल बेचकर लाभ कमाया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसीलिए जल्दबाजी में लिख रहा हूं क्योंकि आप सब इसे जानते हैं, विदेशों को अधिक उत्पाद बेचकर लाभ कमाया जा सकता है, साथ ही इससे देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, इससे देश के लोगों या फिर देश की अर्थव्यवस्था, सुधार आता है। ठीक है, ये जहां मैंने लिखा है लोगों मतलब कि उस देश में जो व्यक्ति रह रहे हैं उनके जीवन स्तर में, ठीक है,
उनके जीवन स्तर में सुधार आएगा और देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वह इंपोर्ट से ज्यादा है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पैसा हम लोग वहां से ला रहे हैं, मतलब अपने माल को वहां बेच रहे हैं और वहां का जो माल है, प्रोडक्ट है, उससे हम लोग कम मात्रा में खरीद रहे हैं। तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या होगा? फायदा होगा। और यहां जो व्यक्ति है उसके जीवन स्तर में सुधार कैसे होगा? मतलब उसकी पीसीआई बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अनुकूल व्यापार संतुलन को आप लोग किससे जोड़ के रखे होंगे? व्यापार आधिक्य से, ट्रेड सरप्लस से। वही कहलाता है हमारा अनुकूल व्यापार संतुलन। क्या है? फेवरेबल बीओटी। चलिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड सेकंड के बारे में बात करेंगे हम लोग। अब वीडियो खत्म भी होने वाला है, चीजें बहुत ही इजी है। ठीक, देखिए जब चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं तो पता नहीं चलता टाइम कब चला गया। अगर आप लोग भी इकोनॉमिक्स पढ़ने बैठे हैं तो इससे ये सोच के मत पढ़ा करिए कि इससे बोरिंग महसूस होता है। नहीं, अगर आप लोग मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैं ये चीज गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो लोग शुरू से जुड़े होंगे, कि आप लोगों को इकोनॉमिक्स बोरिंग लगा ही नहीं होगा। क्योंकि मैं एक साधारण, जैसे लोग बताते हैं ना, उससे बहुत डिफरेंट साइड में मैं बताता हूँ, आपके जीवन से जुड़कर चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रतिकूल व्यापार संतुलन। प्रतिकूल व्यापार संतुलन, अब उसे हम लोगों ने बोला था फेवरेबल बीओटी, मतलब अनुकूल व्यापार संतुलन। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनफेवरेबल। क्या? अनफेवरेबल बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब प्रतिकूल व्यापार संतुलन। चलिए अब इसे किससे जोड़ेंगे आप लोग बताइए। अनुकूल व्यापार संतुलन को हम लोगों ने जोड़ दिया ट्रेड सरप्लस से, व्यापार आधिक्य से। इसे हम लोग जोड़ेंगे ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा से। मतलब अगर इसमें हम लोग आयात ज्यादा करेंगे, निर्यात कम करेंगे, तो उसी को बोलते हैं प्रतिकूल व्यापार संतुलन। ठीक है, और इससे क्या हानियां होंगी वो भी हम लोग लिखने वाले हैं। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे क्या? व्यापार घाटा ही। व्यापार घाटा को ही बोलते हैं। व्यापार घाटा का फॉर्मूला क्या था? कि अगर व्यापार घाटा इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे यहां, आयात ज्यादा हो निर्यात से, मतलब कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा हो एक्सपोर्ट से, तो व्यापार घाटा होगा और इसी को प्रतिकूल व्यापार संतुलन बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या कहलाएगा इसका? कच्चे माल का निर्यात किया जाता है। चलिए यहीं से चीजें निकल के आती है। देश कच्चे माल का निर्यात करेगा, कच्चे माल का निर्यात करेगा, उत्पाद का आयात करेगा। ठीक, ये बहुत बड़ी चीज है, एक लाइन में मैंने लिख दिया, आप इसे एक्सप्लेन करेंगे आप लोग समझ जाएंगे मैंने क्या लिखा है। कच्चे माल का निर्यात करेगा और उत्पाद का आयात करेगा। चलिए हम लोग क्या करेंगे, कपड़े का उदाहरण लेते हैं और चलते हैं कब, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। हम लोगों ने क्या बोला कि अंग्रेजों ने भारत का शोषण किया है, ब्रिटिशर्स ने इंडिया का शोषण किया है, कैसे वो समझने की कोशिश करेंगे। उस समय हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो मुख्य चीज थी क्या थी? कपास। याद आया? कॉटन। हम लोग जब पढ़ते हैं इसे, बंगाल में क्या किया गया था, जब बंगाल में उन्होंने पूरी तरह से आधिपत्य जमा लिया भारत के, तो वहां से उन लोगों ने कपास का क्या किया, निर्यात करने लगे। जब कपास कहां पहुंचा, इंग्लैंड में, मतलब जब ब्रिटिशर्स के पास कपास पहुंचा तो इसी कपास को उन लोगों ने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया कपड़े में। ठीक, अब देखिए ये कपास किसका था? हमारा था। गया कहां? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में कपास से क्या बना? कपड़ा। और यही कपड़ा आया कहां? भारत में। आप बताइए इससे किसे फायदा हुआ? हम लोगों को तो घाटा ही हुआ ना, मतलब यहां से ये लोग कपास कॉटन ले गए और वहां इन्होंने इसे क्या किया, इसका कपड़ा बनाया और वही कपास का कपड़ा लाके हमारे भारत में इन्होंने बेच दिया। हमारा ही माल हमें बेचकर इन लोगों ने
पैसा कमाया। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया का शोषण किया है। इसे अब हम लोग यहां जोड़ेंगे अर्थव्यवस्था में, कैसे, जो माल यहां है कच्चा माल रॉ मटेरियल का ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट, कोई भी कंट्री अगर रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करेगी तो जायज सी बात है कि वहां से वो प्रोडक्ट क्या करेगी, खरीदेगी, वहां से प्रोडक्ट का आयात करेगी, तो उससे क्या होगा कि अपने द्वारा दिए गए कच्चे माल को ही हम लेंगे। इसमें हमारा घाटा और फायदा क्या है, हम कच्चा माल देंगे। आप लोगों ने भुट्टा देखा, भुट्टा जब भुट्टा खेतों से कटके आता है तो उसका रेट क्या होता है, 5 रुपए, समझेंगे रॉ मटेरियल क्या होता है और प्रोडक्शन क्या होता है। जब भुट्टा खेतों से आता है कच्चा होता है तो उसका रेट क्या होता है, 5 रुपए, लेकिन जब उसी भुट्टे को भून दिया जाता है और उसके बाद बेचा जाता है तो उसका रेट होता है 20 रुपए। तो यही है रॉ मटेरियल, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देश हमेशा कच्चे माल का निर्यात करेगा कम दामों में और उसी माल का प्रोडक्ट खरीदेगा ज्यादा दामों में। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा अर्थव्यवस्था होगी पूरी तरह से मजबूत नहीं हो पाएगी। ठीक, उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे आप लोग अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाई हमारा ही माल वहां जा रहा है रॉ मटेरियल के रूप में और इसी का प्रोडक्शन करके हमें बेच दिया जा रहा है, तो कहां से हो पाएगा। ठीक, चलिए, तो ये था हमारा क्या, व्यापार संतुलन का प्रकार। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। चलिए, अब इसी व्यापार संतुलन के 3 खाते हैं, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था क्या, भुगतान संतुलन में 2 खाते देखा था, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट, इसमें भी खाते होते हैं, इसमें 3 खाते होते हैं, किसमें, व्यापार संतुलन के खाते, कि किस चीज को कहां लिखा जाता है, व्यापार संतुलन के खाते मतलब अकाउंट्स ऑफ बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये 3 अकाउंट है, कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला जो हमारा है उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला है चालू खाता, चालू खाता को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट। इसमें क्या लिखा जाता है, सभी प्रकार के लेन देन और आयात निर्यातों का रिकॉर्ड, सभी प्रकार के लेन देन, सभी लेन देन तथा आयात और निर्यात, मतलब कितना आयात किया जा रहा है, कितना निर्यात, क्या लेन देन किया गया, यह चालू खाते के तहत लिखा जाता है। दूसरा खाता हमारा आता है वित्तीय खाता। ठीक, ये किसके तहत बनते हैं खाते, व्यापार संतुलन के तहत, भुगतान संतुलन के तहत नहीं। ठीक, पहले दूसरा देख लेते हैं, वित्तीय खाते। वित्तीय खाते में क्या किया जाता है, विदेशी संपत्ति को घरेलू स्वामित्व में कन्वर्ट करना और घरेलू संपत्ति को विदेशी स्वामित्व में कन्वर्ट करना, क्या किस अकाउंट का काम है, वित्तीय खाते का काम है। और इसका मूल्यांकन करना कि मतलब कि जो हमारा, हमने जो माल वहां से लाया, पैसा देके हम लोग लाए, भारत से अगर कर रहे, अगर हम लोग यूएसए से कर रहे हैं और भारत के लोग हैं तो हम लोग रुपए और डॉलर का मूल्यांकन करेंगे और यह मूल्यांकन कौन करता है, वित्तीय खाता करता है। ठीक, क्या लिखेंगे हम लोग, विदेशी संपत्ति को घरेलू स्वामित्व, घरेलू स्वामित्व और घरेलू संपत्ति को विदेशी स्वामित्व, दोनों का क्या करना, मूल्यांकन करना। मतलब पैसे अगर इंडिया और यूएसए के बीच में ट्रेड हो रहा है तो रुपए, भारत में तो रुपया चलता है और यूएसए में क्या चलता है, डॉलर चलता है, तो दोनों का मूल्यांकन करना। ठीक, ये किसका काम है, वित्तीय खाते का काम है। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, पूंजी खाता। पूंजी खाता क्या करता है, देशों के बीच वित्तीय लेन देन को क्या किया जाता है, इसके तहत मापा जाता है,
देशों के बीच वित्तीय लेन देन को मापा जाता है। मतलब कि कितने वित्त का, मतलब कितना फाइनेंशियली ट्रेड हुआ, लेन देन हुआ, उसका मापन इसी के तहत किया जाता है। और करों का प्रभाव तथा संपत्ति की खरीद और बिक्री भी शामिल होता है। मतलब करों का प्रभाव यह हो गया, संपत्ति की खरीद और बिक्री, संपत्ति की खरीद और बिक्री भी शामिल होता है, भी शामिल होता है। ठीक, मतलब कि देशों के बीच वित्तीय लेन देन कितना किया गया उसका मापन किया जाता है, किसके तहत, पूंजी खाता के तहत। और उसका कन्वर्ट उसे कैसे किया जाता है, मूल्यांकन कैसे किया जाता है, वित्तीय खाता के तहत। पूंजी खाता का मतलब है कि कितना वित्तीय लेन देन हुआ उसका यह विवरण पेश करेगा। और वित्तीय खाता दोनों देशों का जो क्या है, करेंसी है, डॉलर है या फिर रुपया है, उसके मूल्यांकन को आंकेगा कि एक दूसरे से कंपेयर करने पर कि एक रुपए से, मतलब एक डॉलर, आप सब जानते हैं कि डॉलर का मूल्य रुपए से ज्यादा है, तो ये कंपेयर करता है कि एक डॉलर में कितनी वस्तुएं खरीद रहे हैं और उसके लिए कितना इंडियन रूपी पे करना पड़ेगा, उसका मूल्यांकन करता है वित्तीय खाता। और चालू खाता क्या करता है, सभी लेन देन देखता है, आयात और निर्यात से संबंधित विवरण रखता है, ठीक है। और साथ ही करों का प्रभाव, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट टैक्स भी लगता है, उसका कितना प्रभाव पड़ रहा है ट्रेड पर, यह देखता है पूंजी खाता। साथ ही संपत्ति की खरीद और बिक्री के बारे में भी यह नॉलेज रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपका जो ये चैप्टर था क्या है, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इससे रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन आप लोगों के होंगे वो दूर हो चुके होंगे। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड MCQ और प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। क्यों, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।